नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एलिस स्विफ्ट और आने वाला है दिवाली, उसके बाद वेडिंग सीजन और ये वेडिंग सीजन भी बहुत लंबा चलने वाला है। तो अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में ज्वेलरी शॉपिंग की, तो मैं आज पहुंच गई हूं बिहार के कैपिटल पटना में, और वो भी पटना के एकदम ऐसे स्पॉट पे ना जहाँ पे पूरे बिहार के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। सो मैं अभी हूँ फेजर रोड डाक बंगलो चौराहा के पास में। वैसे यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है एंड पूरा एड्रेस लोकेशन जो है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। और मैं हूँ अभी कल्याण ज्वेलर्स में, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है ज्वेलरीज के मामले में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अंदर चलते हैं। एंड ये रिसेंटली खुला है, लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले खुला है, तो यहाँ के कलेक्शंस पे बात करते हैं। अगर कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट्स है तो हम उस पर भी डिस्कस करें। अभी हम अंदर तो चलेंगे ही, बट यहाँ पे ना जब आप आओगे ना, यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे अमिताभ बच्चन है, पीछे कैटरीना कैफ भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। सो अंदर चलते हैं और जानते हैं इस ऑफर्स के बारे में कि अप टू अगर 50% तक ऑफ है तब तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली। मैं इतने यूनिक कलेक्शंस दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये पीसेस देखेंगे। सो ये जितने भी ज्वेलरीज है ये सारे के सारे ज्वेलरीज हैंडमेड है। हम सोचते हैं ना कि क्यों इतना महंगा होता है, क्यों मेकिंग चार्जेस लगते हैं, सो यही रीज़न होते हैं। एंड उसके साथ ही ये वाला जो ज्वेलरीज है बहुत ही डिफरेंट, मतलब इस तरह के ज्वेलरीज आपको बहुत रियर है, देखने को मिलता है, और ये सेमी प्रीशियस स्टोन के बने में बना हुआ है और सब हैंडमेड है। ये वाला जो है इसमें भी प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं एंड अनकट डायमंड भी है। ये वाला प्रीशियस स्टोन रूबी स्टोन से बना हुआ है और सब इतने, आप फिनिशिंग देखेंगे ना, मतलब आप सोचो कि हैंडमेड है और फिनिशिंग से कितनी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, तो आप इसे से सोचो कि इसको इसमें बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो इस तरह के पीसेस अगर ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी यूनिक हो और आप जब भीड़ में पहनो तो आपकी ज्वेलरी निखर के आए और बाकी सबसे अलग लगे, तो आप आओ कल्याण ज्वेलर्स। गाइस, अभी जो इंडियंस का एक्चुअली फेवरेट होता है गोल्ड में, जो गोल्ड में चमक होती है एकदम गोल्ड, मतलब गोल्ड की तरह ऐसा चमकना चाहिए, वो वाला मैंने पहना है। और अभी जो है ये टर्किस स्टाइल में है, ये काफ़ी डिफरेंट है। और एक मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करती हूँ। अभी यहाँ से ना कुछ कस्टमर्स जा रहे थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बोला, बिकॉज इसका डिज़ाइन इतना डिफरेंट है ना, तो लोगों को लगता है इतना अच्छा वो गोल्ड में बना सकते हैं। बट देन उनको हमने एक्सप्लेन किया कि हाँ ये गोल्ड का ही है, रियल गोल्ड का ही है, 22 कैरेट का ही है। तो उन्होंने एक और चीज़ बाद में बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये चीज़ फील करती थी और मुझे आज पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कल्याण पे ट्रस्ट करते हैं। उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ से अभी ज्वेलरी लेके जा रहे हैं तो वो एक अपने आप को सेफ फील करते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ज्वेलरी लिया है तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। और उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया, मतलब उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो मैं शायद उनसे बुलवाती कि सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, पूरी प्योरिटी की गारंटी देती है, तो इस वजह से वो कोई लोकल स्टोर से ना लेके कल्याण से लेते हैं, बिकॉज वो टेंशन फ्री रहते हैं कि उनका जो पैसा लगा है या उनका जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल प्योर एंड सेफ है। अब बात करते हैं डायमंड ज्वेलरीज की। तो डायमंड ज्वेलरीज में भी इनके पास बहुत ही यूनिक पीसेस हैं, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस है। लाइक आपको लाइट वेट में चाहिए, थोड़ा हैवी में चाहिए, वेडिंग को लेके या फिर थोड़ा पार्टी वार्टी के लिए, जैसे ये सब पीसेस हैं, सो इस तरह का भी आप ले सकते हैं। बट जो अभी मैंने पहना है ये खुद में बहुत ही खास है, तो मुझे लगा इसके बारे में बात करना चाहिए। सो ये खुद में खास इसीलिए है बिकॉज डायमंड एक तो ऐसी चीज़ है जिसको हम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हम सोचते हैं कि
कुछ ऐसा पीस ले जो हम हर ड्रेस के साथ पहन सके। बट आप जैसे देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है, तो ये हर ड्रेस के साथ नहीं जाएगा। जो अभी मैंने पहना है उसके साथ तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बट बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये नहीं जाएगा। सो कल्याण ज्वेलर्स में आपको क्या मिल रहा है इसके साथ, सेम अपने ये रहेगा। इसमें जो बस स्टोन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पिंक कलर में है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये पिंक कलर में है। एंड एक और है डायमंड का। सो लाइक आपके पास एक ही नेक पीस है, बट आप इसको तीन तरीके से पहन सकते हैं, तीन डिफरेंट कलर्स में पहन सकते हैं, एंड बहुत अलग अलग आउटफिट्स के साथ इसको पहन सकते हैं। और उसके साथ ही ये वाला देख सकते हैं जो इयररिंग्स है, इयररिंग्स के लिए भी सेम अलग अलग तीन स्टोन्स मिलेंगे, एक डायमंड का, एक पिंक, एंड देन एक जो मैंने पहन रखा है ग्रीन कलर्स में। सो एक ही ज्वेलरी लीजिए और आप बहुत लंबे टाइम तक इसको पहन सकते हैं, आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जब भी हर बार पहनेंगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मैंने कल्याण रोड जो कि फ्रेजर रोड में है उसका कंप्लीट आप लोगों को कलेक्शंस भी दिखाया, पूरा स्टोर भी आप लोगों को घुमा दिया, एंड आई होप आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा। बट चलिए एक और सबसे खास बात जो कल्याण ज्वेलर्स को क्यों खास बनाती है, या फिर मैंने कल्याण ज्वेलर्स को क्यों कवर किया, उसके पीछे जो है ये चार रीजंस जो है वो मेन रीजंस है। सबसे पहले ऐसे तो मैंने बता ही दिया कि यूनिक कलेक्शंस मिलेंगे, दूसरा फर्स्ट जो है प्योरिटी अश्योर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप गोल्ड के या फिर डायमंड के ज्वेलरीज लेते हैं उन सब की प्योरिटी के लिए ये जो है आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी लोकल स्टोर में जाते हैं तो उसका जो डर रहता है वो डर ये पूरा ख़त्म कर देते हैं। सेकंड जो है फ्री लाइफ टाइम मेंटेनेंस, सो वो भी सिर्फ डायमंड पे नहीं, गोल्ड एंड डायमंड दोनों ही ज्वेलरीज पे आपको फ्री लाइफ टाइम मेंटेनेंस देते हैं। जिसे क्या है, डायमंड में अगर कोई डायमंड फॉल हो जाता है, गोल्ड में कहीं से थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो वो सब मेंटेनेंस जो है वो फ्री करते हैं। और थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज बाय बैक। सो एक्सचेंज बाय बैक में क्या होता है कि कोई ज्वेलरीज अगर आप बहुत टाइम से पहन रहे हैं और अगर बोर हो गए हैं, बट एक चीज़ याद रखिए बहुत क्लियर है, कल्याण ज्वेलर्स की ही ज्वेलरी होनी चाहिए। अगर आपने कोई ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर्स की कहीं और से ली हो, जरूरी नहीं कि आपने इसी आउटलेट से लिया हो, बट अगर आप उसको पहन पहन के बोर हो गए और आप चाहते हैं कुछ फिर से न्यू लेना, तो एक्सचेंज करा सकते हैं। तो अभी जो मार्केट में अभी जो कल्याण ज्वेलर्स का जो करेंट रेट होगा उसमें 100% में आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और एक और चीज़ जान के आपको खुशी होगी, जो मुझे भी आज ही पता चला कि कल्याण ज्वेलर्स के जो गोल्ड के रेट होते हैं ना, वो आप कभी भी कंपेयर कर लीजिए मार्केट में, तो उनसे हमेशा थोड़ा लेस ही होता है। फोर्थ जो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं या डायमंड की ज्वेलरी या कोई भी ज्वेलरी, तो उसका फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उसमें गोल्ड कितना है, उसमें डायमंड कितना है, उसमें कोई अगर दूसरा स्टोन लगा हुआ है तो कितना है। तो क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमने गोल्ड की ज्वेलरी ली है, उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि उसमें स्टोन्स कितना है और गोल्ड कितना है, तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कल्याण ज्वेलर्स में सब कुछ समझाया जाता है, ताकि आप ज्वेलरी लेने से पहले आप श्योर हो जाए, आपको पता हो एक एक डिटेल्स। गाइस मैंने तो कर ली अपनी आने वाली फेस्टिवल्स की शॉपिंग कल्याण ज्वेलर्स जो कि है फ्रेजर रोड डाक बंगला चौराहा के पास में। एंड अगर आप लोग नहीं आए और सोच रहे हैं ना आने वाले चाहे दिवाली धनतेरस के लिए लेना हो या फिर वेडिंग सीजन के लिए लेना हो, तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स हैं जो आगे मैंने दिखाया अभी, तो बताया भी था कि अप टू 50% लाइक 25 से लेके अप टू 50% तक का जो है आपको यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है, यूनिक कलेक्शंस मिलने वाले हैं। सो या गाइस बाकी और भी डिटेल्स यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जरूर चेक कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जिनके घर में भी आने वाले टाइम में ना वेडिंग है या फिर वो सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं ज्वेलरीज लेने का और कन्फ्यूज है कि कहाँ से लें, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके लिए ये ईजी हो जाए। एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।